हेलो क्लास सेकेंड के जी सेकेंड स्टूडेंट्स, आज आपका नोट्स का पेज नंबर 13 और 14 हम कंप्लीट करने वाले हैं, जहां पर आपको ओ साउंड वर्ड दिया हुआ है। आपकी इंग्लिश रीडर बुक में भी आपको ओ साउंड वर्ड विद सेंटेंसेस मिल जाएगा। आप वहां जाकर भी इसकी रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपको यहां पर दिया हुआ ओ साउंड वर्ड, तो आपको पेरेंट्स ध्यान दें कि वो अपने बच्चों के साथ बैठकर इन नोट्स की रीडिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस उन्हें करवाएं। जहां उन्हें नहीं समझ आ रहा है तो आप उन्हें समझाएं। फर्स्ट हम यहाँ पर मेरे पेन के साथ आपको पॉइंट करते हुए रीड करना है। बी ओ बी बॉब, सी ओ बी कॉब, लॉब मॉब, रॉब सॉब, कॉड नॉट, ऑड पॉड और रॉड। ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका बच्चा बुक इन वर्ड्स को रीड कर रहा हो तो वो बी ओ बी बॉब, सी ओ बी कॉब ऐसे रीड ना करे। वो जॉइनिंग जो लेटर्स हैं उसे वो मन में रीड करे, देन फुल वर्ड वो जोर से प्रोनाउंस कर उसे रीड करे। डी ओ जी डॉग ना कीजिएगा, वो डॉग, फॉग हॉग, जॉग लॉग ऐसे रीड करे। यहाँ पर आपको राइम्स वर्ड्स दिए हुए हैं जिसकी वजह से वो इजीली नहीं पढ़ पाएगा। मॉम पॉन बॉब कॉप हॉप लॉप मॉप पॉप टॉप कॉट डॉट got, hot, rot, lot, not, pot, rot। यहाँ पर आपको फोर वर्ड्स भी ओ साउंड वर्ड दिए हुए हैं जो है dog, lock, rock, sock, boss, loss, moss, toss, frog, block और slob। आप इन वर्ड्स की फोर लाइन्स में इन स्पेलिंग्स को इन कर्सिव में राइट करवाते हुए उनकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपको ओ साउंड वर्ड की एक्सरसाइज भी हुई है जो हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट आपको दिया हुआ है लुक एट द पिक्चर्स एंड इन सर्कल द करेक्ट वर्ड्स, यानी आपको पिक्चर को देखकर नीचे वर्ड्स को रीड करना है, फिर करेक्ट वर्ड पर आपको सर्कल लगाना है। जैसे यहाँ पर आपको डॉग की पिक्चर दी हुई थी और डॉग और हॉग दो स्पेलिंग है जिसमें डी ओ जी डॉग करेक्ट स्पेलिंग थी जिस वजह से वहाँ सर्कल लगा हुआ है। एज इट इज़ एलिफेंट में आपका टॉय दिया हुआ है, यहाँ पर हॉय और टॉय दो स्पेलिंग है तो करेक्ट स्पेलिंग पर आपको सर्कल लगाकर उसे कंप्लीट करना है। देन मॉप की इमेज में आपको एम ओ पी मॉप टी ओ पी टॉप अपने बच्चों से रीड करवाना है, उसको मीनिंग समझाना है और करेक्ट वर्ड पर सर्कल लगाकर इसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लुक एट द पिक्चर्स एंड फील द मिसिंग वॉवल, यानी कि आपको क्या करना है पिक्चर को देखकर करेक्ट वॉवल फील कर इसे कंप्लीट करना है। जैसे एम पी तो यहाँ पर मॉप की इमेज के लिए ओ राइट किया हुआ है, इसी तरीके से पॉट में पी ओ टी पॉट, एल ओ जी लॉग, एफ ओ एक्स वॉक्स, टी ओ पी टॉप और पी ओ डी पॉट राइट कर इसे कंप्लीट करना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको रीड द पोएम एंड सर्कल द वर्ड विद ओ साउंड करना है, यानी आपको पोएम रीड करनी है और करेक्ट आपको जो वर्ड्स के अंदर ओ साउंड वर्ड अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आपको उस पर सर्कल लगाना है। जैसे टी ओ डी टॉट पर सर्कल लगा हुआ है, इसी तरीके से हैज़ अ पॉट तो पी ओ टी पॉट, टी ओ डी टॉट हैज़ पी ओ डी एस पोर्ट्स, ऐसे आपको ही ड्रॉप्स जहाँ पर भी उस वर्ड आ रहा है आपको उस पर सर्कल लगाकर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। पेरेंट्स ध्यान दें कि आपको ही यह एक्सरसाइज अपने बच्चों को कंप्लीट करवानी है।